गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर। तो आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे। तो बेटा ये सभी ध्यान से पढ़ना। टुडे एवरी डिस्टेंस इज अचीवेबल, डू नॉट वाई, डू यू नो वाई? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट के संसाधन हैं वो हर कहीं अवेलेबल हैं। In early ages, the only way to cover the distance was walk on foot. There were no vehicles like cars and scooters. तो बेटा जो early ages में जो distance cover करने के लिए only foot का प्रयोग होता था, किसका भी, हम सिर्फ चल के जा सकते थे, ना कार थी ना व्हीकल थे, कुछ भी नहीं था। The invention of wheel brought out major changes in transport system. तो जब व्हील की खोज हुई तो नए, है ना, ये एक इन्वेंशन थी जिसने पूरी दुनिया की लाइफ ही चेंज कर दी। एज द टाइम पास पीपल इम्प्रूव द व्हील टू फिट द वायरस कार्ड एंड व्हीकल्स। दिस एफर्ट्स ऑफ इन्वेंटर डिवेलप फर्स्ट मूविंग मीन्स ट्रांसपोर्ट वी सी अराउंड अस। तो सबसे पहले इन्होंने जो कार्ट में, है ना, जो भी था, जो भी मतलब कि व्हील था, उन्हें कार्ट में, है ना, इन्होंने क्या किया, फिट किया। उसके बाद ये मतलब कि एक रेवोल्यूशनरी बोल सकते हैं हम कि एक क्रांति थी, रेवोल्यूशन था इस समय के बीच में। टुडे द लेटेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट वाज ट्रैवल अराउंड वर्ल्ड विद इन 18 आवर्स। जो सुपरसोनिक, आज के टाइम में एक सुपरसोनिक जेट है, ठीक है, वो 18 आवर में, 18 घंटे में पूरी दुनिया घुमा सकता है। तो आज तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। ये पिक्चर में मतलब कि एवरी टाइप ऑफ, है ना, ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि एयर दिख रहा है, गाड़ियाँ दिख रही हैं, शिप दिख रहा है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, एयर, लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड अस अ फैसिलिटी टू ट्रैवल वायरस प्लेस ऑफ आवर चॉइस। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से हम अपनी चॉइस के किसी भी प्लेस पे पहुंच सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मोर आवर लाइफ एक्टिव एंड मोबाइल। मोबाइल मतलब क्या होता है, एक्टिव एंड मोबाइल मतलब मोबाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा सकते हैं, मूवेबल। वी कैन मीट एनीवन, एदर फ्रेंड्स और रिलेटिव, इवन इफ दे आर एट अ फार ऑफ प्लेस। तो हम किसी को भी मिल सकते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, जो हमारे घर से दूर रहते हैं, ठीक है, फार मतलब होता है दूर। वी ट्रैवल थ्रू पर्सनल और हायर्ड व्हीकल टू फुलफिल अवर लोकल नीड्स, ठीक है। तो हम खुद का भी ले सकते हैं और हायर भी कर सकते हैं, किराए का भी ले सकते हैं। द मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स From one city to another for sale in local, national and international market is carried by various means of transport. तो ऐसे बहुत से गुड्स हैं, गुड्स में तो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश तक भेजी जाती है ट्रांसपोर्ट के जरिए, जिसका मेन सोर्स है वाटर ट्रांसपोर्ट। There are many three means of transport. These are land ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट के तीन मीन्स होते हैं, मतलब तीन साधन होते हैं, एयर जो हवा में चलते हैं, उसके बाद वाटर जो पानी में चलते हैं, और लैंड जो धरती पे चलते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट इट इंक्लूड रोड एंड रेलवे, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवे आ जाता है, कार आ जाती है, बस आ जाता है, साइकिल वगैरह आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जहाँ पे जो बड़े रोड होते हैं, जो एक, है ना, हम कह सकते हैं एक स्टेट को दूसरी स्टेट से मिलवाते हैं, तो उसे नेशनल हाईवे बोला जाता है। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट है। फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार्स, बस, स्कूटर एंड ट्रक नीड पक्का रोड। सच रोड्स आर मेड ऑफ स्टोन, कोल, टार, ठीक है। ये मतलब कि किससे बने होते हैं, कोल और टार से बने होते हैं जो पक्के रोड होते हैं। उसके बाद नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवेज आर सरफेस्ड रोड्स, ठीक है। नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे वो हम पढ़े। नेशनल हाईवेज कनेक्ट कैपिटल्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ टू इंडिया। तो ये कैपिटल्स को अपने साथ मिलाते हैं। स्टेट हाईवेज टाउन्स विद इन स्टेट्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विद
डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर इन स्टेट, ठीक है। ये कुछ रोड्स हैं, टाइप्स हैं, वो कैसे कैसे के कहाँ कहाँ जगह कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है बॉर्डर रोड्स। द हाई रोड इन द वर्ल्ड इज लेम नाली, ठीक है। सबसे जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे रोड बना हुआ है वो लेम नाली मार्ग है। इट रन्स फ्रॉम मनाली इन हिमाचल प्रदेश टू ले इन लद्दाख रीजन ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये हिमाचल के मनाली से चल के कश्मीर के लेह तक जाता है। उसके बाद होता है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट बेटा आपको पता ही है, ये सबसे पहले 1853 में चला था, महाराष्ट्र से शुरू हुआ, थाने से मुंबई से थाने तक गया था, अप्रैल की बात है ये। नाउ वी हैव द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्रोर ऑफ द पैसेंजर यूज इट फॉर गोइंग टू फार ऑफ प्लेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेल ट्रांसपोर्ट क्योंकि यूज़ होता है, क्योंकि ये सस्ता भी है। उसके बाद रेल हेल्प टू कैरिंग हैवी एंड बुल्की गुड्स। ये हमारी जो हैवी जो है ना, हम बोल सकते हैं वस्तुएं हैं, हैवी गुड्स है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हेल्प करता है। इसमें क्या कहा जाता है, कोल, मिनरल, फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड मैनी अदर गुड्स, तो ये सब चीज़ें आ जाती है इसमें। द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट बिटवीन जम्मू तवी एंड कन्याकुमारी, ठीक है। जम्मू से लेके कन्याकुमारी, जम्मू हमारे नॉर्थ में और कन्याकुमारी साउथ के तमिलनाडु में, वहाँ तक है ये सबसे ज़्यादा है। द सम ट्रेन्स लाइक राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस रन एट वेरी फास्ट स्पीड, तो शताब्दी बहुत फास्ट चलती है। द डिस्टेंस बिटवीन रेलवे ट्रैक इज नॉन एज द गज, गज में मापा जाता है। इन इंडिया देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेलवे, ठीक है। इसमें थ्री टाइप की रेलवे हैं, जैसे कि इसकी जगह के अकॉर्डिंग बोर्ड गज, मीटर गज एंड नैरो गज, ठीक है। द साइज ऑफ रेलवे वॉगन कोच इंक्रीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द गज। नैरो गज रेलवे लाइंस आर अवेलेबल इन हिली एरिया पे, क्योंकि नैरो गेज वहाँ इसलिए यूज़ होती है क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम होती है, पहाड़ियाँ होती है, तो छोटी होती है वो वही। देयर आर लोकल ट्रेन्स फॉर मूविंग विद इन बिग सिटीज़, ठीक है। लोकल ट्रेन्स भी हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में लोकल ट्रेन्स चलती है, मेट्रो ट्रेन्स वगैरह चलती हैं। स्टूडेंट उसके बाद आ जाता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जिसमें जेट वगैरह जाते हैं उसे एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एयर इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा फास्ट है। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव रीच टू द प्लेस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच बाय रोड एंड रेल, तो ये हम उस जगह से पहुँच सकते हैं एयरक्राफ्ट की जगह, यहाँ पर हम रोड से नहीं पहुँच सकते। ट्रैवल बाय एयर इज़ कम्फर्टेबल बट नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये बहुत महंगा होता है हमें एयर से जब ट्रैवल करते हैं। द हेलीकॉप्टर कैन लैंड इन स्मॉल एरिया यूजफुल, तो जो स्मॉल एरिया में है वहाँ पे यूज़ होता है, तो जो बड़ी बड़ी उसके बाद रहता है। एन एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर फ्लाइट्स टेक ऑफ एंड डिफरेंट कंट्रीज नॉन एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एट मुंबई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता एंड मीना बक्कम एट चेन्नई। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाता है, जिसमें कि द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री लार्जली डिपेंड ऑन द गुड वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। मैनी रिवर्स इन इंडिया इज सूटेबल फॉर द वाटर, तो यहाँ की जो बहुत सारी रिवर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए। बिग शिप्स एंड स्टीम्स कैन लोडेड एंड अपलोडेड गुड्स फॉर दिस पोर्ट्स, तो यहाँ पोर्ट्स से ये शिप्स है, इन्होंने सामान भरा जाता है और निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी हैं, द मेन सी पोर्ट्स इन इंडिया, मुंबई, कांडला, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये देख सकते हो आप, ठीक है, इसे मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे तो बेटा ये हमारा लेसन था आज, हमने वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, एयर के बारे में पढ़ा और लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स।